हेलो फ्रेंड्स वेलम वेलकम सेट मंत्रा आज की वीडियो एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है इसमें मैं आपको कोई ज्ञान नहीं बांटने वाली बस आपको थोड़ी सी टिप्स देने हैं थोड़ी सी चीज़ें बतानी है जो आप पेपर देते हुए थोड़ा सा ध्यान रखें और एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान से ज़रा सुन ले तो कौन कौन सी चीज़ें सबसे पहले पेपर करते हुए बच्चे टाइम का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं पेपर वन में डेढ़ डेढ़ घंटा तक दे रहे हैं तो पेप सबसे पहले पेपर करते हुए ना एक बार टाइम जरूर नोट करते दे रहे ठीक है टाइम चेक करते रहें जो कि आपका राइट साइड में टॉप पे आता रहता है आपको कोशिश ये करनी है कि पेपर आपको आए या ना आए लेकिन पेपर आपको पूरा पढ़ना है क्योंकि अक्सर डी टी प्लस बी के पेपर में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के सेक्शन थोड़े से मुश्किल होते हैं लेकिन जैसे जैसे हम पेपर में आगे बढ़ते हैं तो सेक्शंस थोड़े से ईजी होते हैं लेकिन क्योंकि बच्चे पेपर पूरा ही नहीं पढ़ पाते तो फिर वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं तो आप यह ध्यान रखें कि आप पेपर पूरा पढ़ें पेपर एक को आप इतना टाइम ना दें कि पेपर टू को आप पढ़ भी ना पाए सही से ठीक है क्योंकि मेरिट जो आपकी जो कट ऑफ बनेगी ना वो पेपर वन और पेपर टू दो दोनों को मिला के बनेंगी और दोनों में अलग अलग क्वालिफाई करना मैंडेटरी है तो कोशिश करें कि पेपर वन को ज़्यादा समय ना दे दें एक घंटा दस मिनट पेपर वन के लिए काफ़ी है और बाकी टाइम आप पेपर टू को दें और पेपर टू के क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के तब करें ठीक है ओवर कॉन्फिडेंस में आके पेपर आपको ईजी लगे और ओवर कॉन्फिडेंस में आप क्वेश्चन गलत ना करें बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ के फिर पेपर करें ऐसा हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा मुश्किल आ जाए मुश्किल आ जाए तो क्या करेंगे डरना बिल्कुल नहीं है तब दिमाग में ये सोचना है कि अगर आसान है तो सबके लिए है मुश्किल है तो सबके लिए है थोड़ा सा मुश्किल आ जाए तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ थोड़ा सा पढ़ के अच्छे से समझ के तब क्वेश्चन करें और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है पेपर में ज्यादा अटैम्प करने पे ध्यान नहीं देना है आपको सही अटैम्प करने पे ध्यान देना है बार बार मैं ये बोल रही हूं कि ज्यादा अटैम्प करने पे ध्यान ना दें सही अटैम्प करने पे ध्यान दें अब बच्चे एक सौ पचासी एक सौ नब्बे तक क्वेश्चन अटैम्प करके आ रहे हैं अरे भाई जब नेगेटिव मार्किंग है आप लोगों को पता है तो आप वन एटी फाइव वन नाइन्टी तक क्यों अटैम्प कर रहे हैं इसका नुकसान तो आपको ही उठाना पड़ेगा ना तो मैं शुरू से बोलती आ रही हूं कि अटैम्प ज्यादा करने पर ध्यान ना दें सही करें अब ज्यादा करने पर ध्यान ना दें इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सौ क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहे हैं ठीक है अटैम्प मतलब एक 140 चालीस एक सौ एक, एक बहुत अच्छा अटैम्प है ठीक है 135 140 150 बहुत अच्छा अटैम्प है इतना अटैम अगर आपने सही तरीके से कर लिया अब मैं ये नहीं कह रही कि आप तुक्के लगा के आप 140 सौ चालीस अटैम्प करें नहीं ठीक है आपको मतलब 140 क्वेश्चन जो आप करें वो ऐसे करें कि हाँ आपको वो क्वेश्चन आते हों मतलब लग सारे तो नहीं लेकिन लगभग क्वेश्चन आपको आते हों लेकिन बच्चे क्या करके आ रहे हैं बच्चे वन तक क्वेश्चन करके आ रहे हैं अरे भाई कितने इंटेलिजेंट हो आपकी वन नाइनटी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो एटलीस्ट ये तो ध्यान रखो कि नेगेटिव मार्किंग है और तुक्का तभी लगाएं जब आपको दो ऑप्शन में डाउट हो जब आपको लगे कि हाँ दो ऑप्शन में डाउट है और फिफ्टी परसेंट सही होने की संभावना है तभी आपको तुक्का लगाना है मान लो चार ऑप्शन है ऑप्शन ए बी सी डी आपको पता है कि सी और डी तो बिल्कुल नहीं होने आंसर आपको सिर्फ पता है कि ए और बी में से कोई आंसर है तभी उस पर क्वेश्चन पर आपको तुक्का लगाना है ये नहीं कि हाँ यार मेरे को लग रहा है कि ए हो सकता है मेरा मेरा दि, दिल कह रहा है कि ए होगा और मार दिया अरे ऐसे बिल्कुल नहीं करना है ठीक है जब फिफ्टी परसेंट सही होने की संभावना हो तभी तुक्का लगाएं और बाकी कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर अपना अपनी मेहनत पर भरोसा रखें डरना बिल्कुल नहीं है मुझे पता है कि आपको नर्वसनेस हो, हो रही होगी घबराहट हो रही होगी लेकिन बिल्कुल नहीं डरना है आपने जो पढ़ा है वही पेपर में आएगा अपनी मेहनत पे विश्वास रखें मुझ पे विश्वास रखें ऑल द वेरी बेस्ट तो ये थी आज की वीडियो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच